हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, बहुत ही ऐतिहासिक, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये पहले के ज़माने में जो पुरानी हवेली होती थी, गढ़ होते थे, तो वहाँ पर जो चूना पत्थर बनता था जिससे प्लास्टर होता था बड़ी बड़ी हवेलियों पर, गढ़ों पर, तो वो प्लास्टर का मटेरियल इसी के अंदर ही बनता था। तो ये बहुत ही कम बचा है, मतलब ऐसी बहुत ही कम जगह पर है, और मेरे ख्याल से तो ये कहीं दिखेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर झुंझुनू ज़िले के मलसीसर गांव के अंदर, हमारे ही प्लॉट के अंदर है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत ही अच्छी और पुरानी ऐतिहासिक चीज़ थी, तो क्या पता कुछ साल बाद में फूट जाए, टूट जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसके नीचे है ना, ये यहाँ पर आग जलाते थे, मतलब हीट करने के लिए। इसको यहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ी, लट्ठे वगैरह, मतलब गेरते थे और आग जलाते थे, जिससे हीट होकर इसके अंदर चूना बन जाए। तो इसके अंदर भी ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा मैं, ये गोल टाइप है, कुएं टाइप का। तो चलो ऊपर चलते हैं यहाँ से, बहुत ही पुराना मतलब चीज़ है। तो इसके अंदर की ये इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल पड़ता था चूना बनाने के लिए। तो इसके अंदर पूरा भरकर, इसके अंदर पानी वगैरह गेर कर, और वो मटेरियल तो पता नहीं क्या क्या था, लेकिन इसके अंदर डालकर इसको नीचे से हीट करते थे, जिससे बहुत गर्म होकर एकदम अच्छा मटेरियल चूना बन जाए, और जिससे प्लास्टर हो जाए और चिनाई हो जाए। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर आज सीमेंट वगैरह, बजरी काम लेते हैं ना, वो पहले नहीं थी। तो उससे पहले तो सीमेंट बजरी, उससे पहले ये चूना बनता था, इससे ही कंस्ट्रक्शन का काम चलता था। जो किले गढ़े वगैरह होते हैं, जो पुराने पुराने बहुत पुरानी हवेलियाँ, तो इसके अंदर ही वो तैयार होता था। तो इसके अंदर नीचे से तो ये बहुत पतला है, और ऊपर आकर ये गोल मटोल, एकदम गोल राउंड ले लेता है, और ये साइड के अंदर लोहे की बनी हुई एक राउंड है, जिससे ये मतलब टाइट, एकदम मजबूत रहे, फटे नहीं। और इसके अंदर भी है, फिर ये नीचे से भी बंधा हुआ है, ये रहा। और पहले का मतलब जो लोह होता था, लोहा, अब देखो ये आप देख रहे हैं, ये भी एक बात है कि इसके अंदर अभी तक जंग नहीं आया पहले वाले लोह के। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता था कि ये ऐसी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ जो आगे जाकर हमें भाई सवाल रहेगा कि ये कहाँ से आते थे, कहाँ पर बनते थे, तो यही है। तो यहाँ पर कुछ नमूना चूने का यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर प्लास्टर किया है, ये चूने का ही है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रहा था, तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।